दिल्ली के पंडित पंत मार्ग पर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस वार्ता करते हुए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि डीटीसी की बसों में धांधली और करप्शन जनता के सामने आया है, तब से केजरीवाल जी बोल नहीं रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार लगातार भ्रष्टाचार करप्शन के मुद्दे पर जवाब देने से वो लगातार बचते रहे, कोई जवाब उनको देते हुए बन नहीं रहा है और इसलिए वो मुद्दों को डाइवर्ट करते हैं। जिस तरह से दिल्ली की डीटीसी के द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों के टेंडर में की गई अनियमितताएं, धांधली, करप्शन जनता के सामने आया है, तब से इस मुद्दे पर वो बोल नहीं रहे। और जिस तरह से माननीय उपराज्यपाल जी ने जो बातें पब्लिक डोमेन में लाए हैं, उससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि जो आम आदमी पार्टी है झूठ बोल रहे हैं आप प्रवक्ता कि वो तो टेंडर ही नहीं हुआ था, वो टेंडर हुआ था हमने कैंसिल कर दिया था या वर्क ऑर्डर ही नहीं किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से 1000 लो फ्लोर बसों को खरीद की टेंडर हुआ और उस टेंडर की प्रक्रिया में सीबीसी की गाइडलाइन को उल्लंघन किया गया, जनरल फाइनेंस रूल को उल्लंघन किया गया, प्रिक्योरमेंट ऑफ गुड्स के मैनुअल्स का उल्लंघन किया गया और टेंडर अपनी चहेती कंपनी को दिया जाए इसके लिए पहले से ही गोटियां बिठाई गई। आम आदमी पार्टी ने टेंडर अपनी जान पहचान वाली अपनी चहेती कंपनी को टेंडर मिले इसके लिए पहले से ही गोटियां बिठा दी और वो गोटियां क्या थी, 7 नवंबर 2019 को वो टेंडर डीटीसी बोर्ड में जाना था। अगर डीटीसी बोर्ड में कोई अधिकारी वहां का चेयरमैन होता तो वो ऑब्जेक्शन कर सकता था। जब कोई नई बस खरीदी जाती है, कोई भी नया व्हीकल आता है, उसमें 3 साल की गारंटी वारंटी इनबिल्ट होती है। पहला उन्होंने एक अपराध ये किया कि 10 साल की वारंटी, 10 साल का मेंटेनेंस उनको दिया जिसमें 3 साल की मेंटेनेंस पहले से ही था, तो वो 3 साल का मेंटेनेंस का उन्होंने पैसा भी कम नहीं किया, पूरे 10 साल का मेंटेनेंस कर दिया जो कि बस की कीमत के 4 गुना अधिक था, यानी हजारों करोड़ रुपए उसमें बनते हैं, तो ये किया। दूसरी बात है कि जो पुरानी बसें चल रही थी जिनकी एज जो ओवर एज हो चुकी और जो लिमिट क्रॉस कर चुकी थी, इन्होंने नियमों से अलग जाकर उन ओवर एज हुई बसों के लिए भी एक नया टेंडर किया था 500 करोड़ का, जो कि शायद बिल्कुल जरूरी नहीं था, उसकी बजाय नई बसें खरीदी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल करप्शन करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं, इसलिए उन्होंने ये इस काम में महारत भी हासिल कर रखी है, इसलिए टेंडर किया था जो कि गलत तरीके से